ओम शांति। आज 9 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। देहाभिमान में आने से माया की मार लगती, क्योंकि देहाभिमान जो है वो बुद्धि का ताला बंद कर दे। तो देहाभिमान में आने से राइट और रॉन्ग की परख नहीं हो पाती है, और राइट और रॉन्ग की परख ना होने से हम गलत सोच भी रखते हैं, गलत वाणी भी बोलते हैं, गलत व्यवहार भी करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि देही अभिमान में ये हमारी बेसिक चीज है। प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो कौन से? एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारगती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं, कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। ये भी वंडर है ना। एक्चुअली जो बाबा ने ये बात कही है कि दुख में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, वो बाबा उनकी ना समझी के लिए कह रहे हैं। कोई व्यक्ति जानबूझकर के गलत उसमें जाने का रखता नहीं है, परंतु अगर कोई अपने जिद के संस्कारों से, हठ के संस्कारों से, पुराने संस्कारों से अगर ऐसा कार्य करता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने उस लाइन को छोड़ करके गलत लाइन पे जाने का लक्ष्य रख रहा है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिर सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। ज़रूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। कहते तो सभी हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है तो ज़रूर माता पिता होंगे। हर धर्म वाले गॉड फादर को ज़रूर याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप वैद्य समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ है जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता ज़रूर एक ही बाप है। अभी कलयुग है, ज़रूर कलयुग का विनाश होगा। प्रायः लोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सत्युग अभी प्रायः लोप है। फिर प्रश्न उठता है, सत्युग में उन्हों को ये पता होगा कि ये सत्युग प्रायः लोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? नहीं, वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं है। हमारे जो ज्ञान के संस्कार हैं वो सत्युग में नहीं होते हैं। ये ज्ञान से बने हुए संस्कार वो तो होते हैं, लेकिन नॉलेज एज सच वो हमको नहीं होती है। वहाँ हम नेचुरल रूप में देही अभिमानी होते हैं, वहाँ हम देह अभिमान वाले नहीं होते हैं, देही अभिमानी। वहाँ कोई आत्मा का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही वहाँ पर हमने शरीर छोड़ना इस बात का ज्ञान नहीं है, ये चक्र चल रहा है इस बात का ज्ञान नहीं है, हम सत्युग से त्रेता में जा रहे हैं इस बात का ज्ञान नहीं है। बाप समझाते हैं मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्च करता है। जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। ये भी तुम समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझती। ये विषय सागर में डूबने लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं कि सतयुग में ये विष
होता नहीं, वो है क्षीर सागर। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर और अज्ञान सागर, अज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाप को भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं कि ये करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं, माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं। तभी फिर मैं धनी आता हूँ, धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्तर है, बहुतों को धोखा मिलता है, कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है, देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने में, इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान मन मना भव। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि इस समय तो सब जर्जरी भूत अवस्था वाले तमो प्रधान हैं, फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमो गुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे, दूसरे धर्म वालों ने न तो इतना सुख देखा है न दुख देखना है। तो बाबा ने हमें ये भी बताया कि उनको सुख भी इतना नहीं मिलेगा, दुख भी इतना नहीं मिलेगा। वो देखिए जो आत्माएं आदि से होती हैं तो वो संपूर्ण सुख के अधिकारी होती हैं। और एक ये भी बाबा ने बताया है कि सुख की भेंट में तुम बच्चों को दुख बहुत कम मिलता है, लेकिन जो आती ही बीच में तो उसके अनुसार ही उनको सुख और दुख होगा ना। आती द्वापर युगी सुख में है तो फिर उनको दुख भी उसी प्रमाण मिलता है। जब आफत का समय होगा तो आवाज़ निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर ये हमको मिला था, इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते ही नहीं, सुखदाता तो वो एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं, चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। बाबा ने कहा कि अगर पतित दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज देता हूँ, अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे, ऐसे नहीं जो होगा वो देखा जाएगा, दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे, मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए ही करते हैं। नहीं, बाबा यहाँ पे हमको इशारा दे रहे हैं कि ऐसे नहीं जो होगा देखा जाएगा, नहीं, इस बात का ज्ञान हमको बुद्धि में इमर्ज रूप में रखना चाहिए, आगे अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा। ये टेप मशीन बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को मुरली तो ज़रूर सुननी है, बहुत सिकी लदे बच्चे हैं, बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है, बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे, बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा तो रात दिन गाँव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है, नींद भी फिर जाती है, क्या युक्ति रचें, कैसे बच्चे दुख से छूटे, कोई तो फिर दुख में फंसने की लिए भी तैयारी करते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा कि जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं, जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं, क्योंकि लोगों को फ्रीडम मिल जाती है, धन को जहाँ चाहें वहाँ यूज़ करें। देखिए दुनिया में कहावत है कि धन कमाना सहज है लेकिन धन को संभालना कठिन है, तो धन को संभालना अर्थात उसका दुरुपयोग ना हो। धन एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे के ईमान को हिला देती है, इसलिए जब तक ज्ञान युक्त अवस्था नहीं होती है तब तक धन जो है वो माया का रूप ले सकता है, इसलिए उसको माया भी कहा गया है। आज का वरदान है
वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और कितना निभाया है। वायदा और फायदा, इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। और स्लोगन है, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।